राजधानी दिल्ली में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुरुआत होते ही लोगों पर त्योहारों का रंग चढ़ने लगता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। रामलीला, दुर्गा पूजा और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से दिल्ली पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिरों, रामलीला और दुर्गा पूजा के पंडालों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कई जगहों पर पुलिस वैन्स को तैनात किया गया है, जिससे असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से एक एक व्यक्ति की कड़ाई से जांच के बाद ही उन्हें पंडालों में अंदर जाने दिया जा रहा है। टू लेयर सिस्टम एक सिक्योरिटी का रखा हुआ है। एक प्रिलिमिनरी चेक होता है जो पहले ही हो जाता है, जैसे ही आप सड़क से उतर के इंसान आने शुरू होते हैं। उसके बाद सेकंड जो रामलीला की एंट्री है, वहाँ पे आपका चेकिंग होती है और सामान की चेकिंग होती है। इसके अलावा हमने हर रामलीला में 8 से 10 मचान लगाई हैं और लगभग इतने ही मोर्चे भी लगाए हैं जिसपे कि हथियारबंद हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे। जो मचान पे हमारे ऑफिसर्स हैं उनको बाइनोकुलर्स भी दिए हैं, तो वो समय समय पे देखते भी रहेंगे कि किस अगर कोई संदिग्ध आदमी है उसके वो भी स्पॉट करते रहेंगे। अंदर जो रामलीला है उसमें हमने प्लेन क्लॉथ में भी स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि अगर कोई सस्पिशियस आदमी एंटर कर भी जाता है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए।